हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ए मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, तो इस पेपर को अगर आप 3 घंटे में सॉल्व करते हैं तो आप इस चीज़ को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह भी देख सकते हैं। तो ये पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, और इसका जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, वो 75 नंबर का ये पेपर है। तो अगर हम बात करते हैं PCI की, तो उसका जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर है वो आपका 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो अगर हम सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, और इन वो 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मीन्स ये एक तरह के शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का है। तो यहाँ पर आपको टू द फैक्ट वो लिखना है, ज़्यादा लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें कुछ, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टडी एंड अनस्टडी स्टेट। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश फिल्ट्रेशन एंड क्लारिफिकेशन, क्या अंतर होता है फिल्ट्रेशन और क्लारिफिकेशन में, इसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज द इनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर हेड। जो हमारे फिल्टर हेड हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिखना है। वो डिफाइन क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, CMC एंड EMC को यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है वो, दैट इज वो डिफाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो हम वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई सब्लिमेशन, क्या होता है सब्लिमेशन, उसके बारे में लिखना है। What is the relation among boiling point, vapor pressure and evaporation? तो क्या relation है हमारे boiling point में, vapor pressure में और evaporation में, क्या वो relation होता है, इसके बारे में यहाँ पे short में लिखना है। अगला question है, What is the molecular distillation? तो इस place पे आपको short में लिखना है कि molecular distillation क्या होता है। वो write the principle of vacuum ड्रायर, जो हमारा वैक्यूम ड्रायर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बारे में शॉर्ट में आपको वो लिखना है। और जो अंतिम क्वेश्चन है वो, दैट इज द स्टेट एंड एक्सप्रेस फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। तो इस प्लेस पे आपको वो जो है वो फूरियर्स लॉ, उसके जो स्टेटमेंट है उसको भी यहाँ पे लिखना है, और इक्वेशन को भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है, बस आपको शॉर्ट में ही यहाँ पे लिखना है। और ये जितने भी टॉपिक हैं इन पे हमने वीडियो प्रिपेयर कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है वो, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन बी। तो अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं, तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन वो, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं, और हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। तो अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज एंड एडवांटेज ऑफ फ्रीज ड्रायर। तो इस प्लेस पे आपको जो हमारा है फ्रीज ड्रायर, उसके प्रिंसिपल के बारे में वो लिखना है, उसका आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, वो डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है, किस तरह से काम करता है उसके बारे में लिखना है, और उसके यूज और क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो, राइट द एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन साइज डिडक्शन मिक्सिंग एंड डिस्टिलेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस प्लेस पे आपको जो हमारे अलग अलग यूनिट ऑपरेशन है, फिल्ट्रेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग और डिस्टिलेशन के जो एप्लीकेशन है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, उसके बाद में वो डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। उसके बाद में आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में लिखना है, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर के बारे में, और यहाँ पे आपको इसके साथ में और लिखना है, एड ए नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो इस प्लेस पे जो आपका क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में है। सबसे पहले आपको मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के बारे में लिखना है,
फिर उसके कंस्ट्रक्शन और किस तरह से काम करता है, वो ट्रिपल इफेक्ट जो इवापोरेटर किस तरह से काम करता है और इसके क्या इकोनॉमी है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो इस प्लेस पे आपको जो भी आंसर है वो डिटेल में करने की आवश्यकता होती है। और जो है इस सेक्शन में एक क्वेश्चन और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम, वो भी अक्सर इसी सेक्शन में 10 नंबर में पूछी जाती है। और इसमें जो हमारा अंतिम सेक्शन है दैट इज द सेक्शन सी, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं इस सेक्शन के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड इल्यूसिडेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और कितने टाइप के हमारे फ्लो के पैटर्न होते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिक मीटर एंड रोटा मीटर। तो यहाँ पे आपको ओरिफिक मीटर और रोटा मीटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में वो लिखना है। तो ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन सी, इसमें अधिकतर इक्विपमेंट के बारे में ही पूछा जाता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बाल मिल। जो अगला क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग और यूज के बारे में लिखना है, FBD फ्लूड बेस्ड ड्रायर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में यहाँ आपको डिटेल में लिखना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ मटेरियल। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम अपने प्लांट के लिए मटेरियल को करते हैं सेलेक्ट, उस समय हम कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सर। तो इस प्लेस पे आपको जो आपका है वो सिग्मा ब्लेड मिक्सर, उसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज और मेरिट और डीमेरिट के बारे में लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके ऊपर हमने अच्छे से वीडियो प्रिपेयर करके रखे हैं। हर वीडियो में आपको हम लोगों ने PDF की लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से आप उस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप 3 घंटे में इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।